हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला डुअल चैनल एक्सेलेशन आपका जो ऑप्शंस होता है उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस पे सेलेक्शन जो ऑप्शंस दिखता है तो इसको सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ये जानते हैं जो ये फीचर्स होता है ये क्यों होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको क्यों ऑन करके रखना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जो सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जिस पे अगर मान लीजिए वाईफाई में ज़्यादा स्पीड होगा तो वाईफाई ऑटोमेटिकली वाईफाई से इंटरनेट चलने लग जाएगा और सिम में स्पीड ज़्यादा होगा तो सिम से ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा, यानी कि एक टाइम पे दोनों सिम और वाईफाई दोनों वर्क करेगा। तो चलिए सबसे पहले सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पर जाना है और यहाँ पे आपको यूजेस पे क्लिक करना है, डेटा यूजेस पे, और यहाँ पे डुअल चैनल का ऑप्शन दिखेगा और ये वाला ऑप्शंस को ऑन कर देना है। ये इस तरीके से ऑफ होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है यूजेस वाईफाई मोबाइल डेटा करंटली, जो जिस पे भी स्पीड अच्छी खासी होगा उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑन कर देगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है।